सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माय इग्नू सॉल्यूशन में। और मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ एमपीसी 002 के सॉल्व असाइनमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 में न्यू एडमिशन लिया है। और आज का जो असाइनमेंट है वो है एमपीसी 002 लाइफ स्पैन साइकोलॉजी। तो आइए हम अपने सॉल्व असाइनमेंट को देख लेते हैं। ये देखिए एमपीसी 002 लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, ये जो असाइनमेंट है 2020 से 21 तक के लिए है। सो स्टूडेंट्स, पहले हम कुछ नोट जान लेते हैं, यानी कि जब हम अपने असाइनमेंट को बनाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा मेथड है, ठीक है, वो कौन सा तरीका है ऐसा, ठीक है, किस अकॉर्डिंग से हम बनाएं। क्योंकि जब बच्चे न्यू एडमिशन लेते हैं तो वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कैसा मेथड बनाएं, ठीक है, जिससे हमें अपने असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिले। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ही कुछ ऐसा नोट बताने वाली हूँ कि जिससे आपको अपने असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिलेंगे। आपके जो असाइनमेंट है वो आपको 3 सेक्शन में आपको डिवाइडेड मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है, 3 सेक्शंस में आपके डिवाइडेड हैं। तो पहला सेक्शन हम जब देखते हैं, सेक्शन ए, इसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 1000 वर्ड्स। यानी कि जब आप सेक्शन ए के आंसर्स को करते हैं तो इसमें आप जब भी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वो आपकी 1000 वर्ड्स में उन क्वेश्चन के आंसर्स होने चाहिए। यानी कि जैसा आपको दिखाई दे रहा है, सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1, 2, 3, ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। मान लीजिए आप जब फर्स्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर आपको 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर मैं आपको चीज बताऊं, स्टूडेंट्स अक्सर क्या गलती करते हैं कि वे अपने वर्ड्स लिमिट को नहीं देखते और वो कुछ भी, मतलब जो क्वेश्चंस में आपको बोला भी नहीं गया है वो भी वो लिखते चले जाते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है, इसमें आपके क्या होता है, असाइनमेंट में जो आपके मार्क्स होते हैं वो आपको फिर कम मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उनके जो टीचर्स हैं वो आपके असाइनमेंट की कंटेंट को देखते हैं, ठीक है, जो बच्चे ने कंटेंट लिखा है उस क्वेश्चन का और टू द पॉइंट आंसर्स है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स हमेशा उसी चीज़ से अट्रैक्ट होता है कि कंटेंट बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना कंटेंट को अच्छा बनाना है। और ऐसा नहीं है कि आप जैसे 1000 आपको लिमिट बोली गई है वर्ड्स की तो आप 2000-3000 लिखने के, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपको उसमें बोला गया है 1000 वर्ड्स आपको लिखने हैं और आप लिख कितने रहे हैं, 2000। किस अकॉर्डिंग से आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं ज़्यादा वर्ड्स लिखूंगी तो मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका बस आंसर सही होना चाहिए, टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है जब आप सेक्शन बी को देखते हैं, तो सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप देखिए इसका नोट को पढ़िए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 400 वर्ड्स। यानी कि आप जब सेक्शन बी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो आप जब उनके आंसर देंगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए जो वर्ड लिमिट दे रखी है वो है 400 के अंदर आपको क्या करना है, अपने आंसर को देना है, टू द पॉइंट आंसर, बेस्ट कंटेंट, ठीक है। फिर जब आप सेक्शन सी पे आते हैं, सेक्शन सी में आपको जैसा कि यहाँ बोल रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 15 वर्ड्स। यानी कि सेक्शन सी में जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपके 15 वर्ड्स में होने चाहिए, यानी कि उनकी 15 वर्ड्स उनकी लिमिट है और 15 वर्ड्स में ही आपको उनका टू द पॉइंट आपका आंसर आपको देना है, ओके। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन वन आपको दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन वन में आप देखिए इतनी अच्छी तरीके से आपको यहाँ आंसर बता रखा है, ये देखिए।
क्वेश्चन थ्री, टू द पॉइंट आपको आंसर दे रखा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको अपने असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें आपको वर्ड लिमिट दे रखी है 400, तो सेक्शन बी का ये 4 क्वेश्चन है। डिस्कस द फैक्टर्स एंड एरियाज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये देखिए टू द पॉइंट आंसर दे रखा है, बेस्ट कंटेंट के साथ वो भी। क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन एट, एंड देन यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है और सेक्शन सी में आपको जो वर्ड लिमिट दे रखी है वो है आपकी 50, ठीक है। आप जब भी सेक्शन सी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी जो आंसर की वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो आपकी 50 होनी चाहिए। ये देखिए जैसे कि क्वेश्चन 9 आपको दे रखा है, रिसर्च मेथड्स यूज्ड इन लाइफ स्पैन साइकोलॉजी। यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा एमपीसी 002 के सॉल्व असाइनमेंट। सो स्टूडेंट्स अगर आपको इन असाइनमेंट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें।